हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बदकिस्मत आबदोज, ओशियन गेट का मलबा निकाल लिया गया। आबदोज का मलबा कैनेडियन कोस्ट गार्ड की मदद से निकाला गया। बाकियात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। कनाडा में जंगलात में आग से अमरीकी रियासतें मुतासर। लाखों कैनेडियंस को मुतासर करने वाला धुआं दो दिन तक रहने की तवक्को। जुमेरात जुमे को टोरंटो में खराब हवा का मयार बरकरार रह सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ट्रूडो का कहना था कि हर किसी को बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। हम सब मिलकर कनाडा को महफूज बना सकते हैं। किसी भी आलमी दबाव में आकर इस्लाम पर समझौता नहीं कर सकते। अमीर तालिबान का कहना है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम इतने आज़ाद हैं कि इस्लाम के हकीकी अहकामात को नाफिज कर सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इराक और यूक्रेन के दरमियान गलती कर बैठे। बाइडन अपने भुलक्कड़पन की वजह से हुए मीडिया के तंज का शिकार। अमरीकी सदर जो बाइडन गलतियों का एक लंबा रिकॉर्ड रखते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. टाइटैनिक की सयाहत के लिए लोगों को जेरे समंदर ले जाने के दौरान तबाह होने वाली ओशियन गेट कंपनी की आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टाइटैनिक की सयाहत के लिए लोगों को जेरे समंदर ले जाने के दौरान तबाह होने वाली ओशियन गेट कंपनी की आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। बदकिस्मत आबदोज का मलबा बुध के रोज न्यूफाउंडलैंड में कनाडा के बहरी जहाज पर वापस साहिल पर पहुंचा दिया गया, जिसने टाइटैनिक के मलबे के करीब समंदर के एक दूर दराज इलाके में जहाज की तलाश में मदद की थी। होराइजन आर्किटेक्ट सेंट जॉन की बंदरगाह पर एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर समंदर की गहराइयों में गया, जिसने कनाडा के मशरकी सूबे के जुनूब में तकरीबन 700 किलोमीटर दूर समंदर की तह तलाश की थी। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में आबदोज नुमा का अगला हिस्सा भी शामिल है, जिससे बदकिस्मत सयाहों को टाइटैनिक की बाकियात का नजारा करना था। टाइटन की बाकियात हादसे के 10वें रोज निकाल कर कनाडा लाई गई है। बाकियात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। ओशियन गेट एक्सपीडिशन की जानिब से चलाई जाने वाली गहरे समंदर की आबदोज के टुकड़े गुज़िश्ता हफ्ते एक रोबोटिक ड्राइविंग गाड़ी के जरिए टाइटैनिक से तकरीबन 488 मीटर के फासले पर समंदरी तह में दरियाफ्त किए गए थे। मलबा मिलने के साथ ही टाइटन में सवार अफराद की तलाश के लिए जारी 5 रोजा ऑपरेशन खत्म हुआ था। इस आबदोज में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल बेटा सुलेमान, बरतानवी मुहिम जो हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी आबदोज के माहिर पॉल हेनरी नार्जिलेट और ओशियन गेट एक्सपीडिशंस के अमरीकी बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रिश सवार थे, जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे तक सफर करने के लिए आबदोज दी और फीकस $2.5 लाख वसूल किए। फौरी तौर पर यह वाजे न हो सका कि टाइटन का मलबा कहां ले जाया गया। गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा और अमरीकी हुकाम ने इस वाकये की तहकीकात का ऐलान किया था, क्योंकि इस तरह की मुहिमात की गैर मुनज़्ज़म नौइयत के बारे में सवालात उठाए गए हैं। कनाडा के जंगलात में लगी आग से अमरीका की कई रियासतों में एक बार फिर धुएं के गहरे बादल छा गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कनाडा के जंगलात में लगी आग से अमेरिका की कई रियासतों में एक बार फिर धुएं के गहरे बादल छा गए हैं। लाखों कैनेडियंस को मुतासिर करने वाला जंगल की आग का धुआं कम से कम दो दिन तक रहने की तवक्को है। जंगल की आग के धुएं की वजह से जुमेरात जुमे को टोरंटो में खराब हवा का मयार बरकरार रह सकता है। टोरंटो को बुध के रोज एक मौके पर हवा के मयार के लिहाज से दुनिया में बदतरीन दर्जा दिया गया। कनाडा के जंगल की आग से उठने वाला धुआं आज 6 सबसे बड़े सूबों में लाखों लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बना हुआ है, जबकि खराब हवा का ये मुकाबला आखिरी दिनों तक मुतवक्के है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों के कई शहरों में लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। अमरीकी माहरीन के मुताबिक धुएं की वजह से शिकागो, डेट्रॉइट, पीटर्सबर्ग और सेंसियनिटी में हवा मुजर सेहत हो गई है। माहरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जा हरारत बढ़ने और जंगलात को आग लगाए जाने से माहौल पर गैर मामूली असरात हो रहे हैं। कनाडा में आज जंगलात में 23 नई जगहों पर आग लगी और पूरे मुल्क के जंगलात में मजमूई तौर पर 491 मकामात पर आग लगी हुई है, जिनमें से कुछ का धुआं अमेरिका के शहरों और कम्युनिटीज को अपनी लपेट में ले रहा है। कैनेडियन हुक्काम के मुताबिक साल 2023 में आतिशजदगी के मुख्तलिफ वाकयात में 80 लाख एकड़ रकबा जल चुका है और तकरीबन 3000 जगहों पर आग लगी है। माहिरीन के मुताबिक आतिशजदगी के बायस टेक्सास में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि जनूबी अमरीका में हीट वार्निंग भी जारी की गई है। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जा हरारत बढ़ने और जंगलात को आग लगाए जाने से माहौल पर गैर मामूली असरात मरतब हो रहे हैं। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में बाज़ लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ और कुछ आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में बाज़ लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ और कुछ आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुल्क और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हर किसी के लिए बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इस्लामोफोबिया और नफरत की तमाम शक्लों में मुखालफत करने के अहद का भी अदा किया, जिसकी हिमायत इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मुल्क की पहली खसूसी नुमाइंदा अमीरा अल खवाबी की जारी कोशिशों से की गई। ट्रूडो का कहना था कि जैसा कि मुल्क भर में खानदान और दोस्त अहबाब दुआ करने, खाना बांटने और ज़रूरतमंदों के साथ खाना बांटने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम सब कनाडा में मुसलमान कम्युनिटीज की तरफ से हर रोज कुर्बानी, हमदर्दी और खैरात की इकदार से मुतासिर हो सकते हैं। कनाडियन वजीर आजम ने अपनी और अपने खानदान की तरफ से मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि कनाडा और दुनिया भर में हर किसी को बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। एक साथ मिलकर हम एक ऐसा कनाडा बना सकते हैं जहाँ हर कोई खुद को महफूज और काबिल एहतराम महसूस करे। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा ने ईद उल अज़हा पर अपने बयान में कहा है कि तालिबान की हुकूमत के कायम होने से पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा ने ईद उल अज़हा पर अपने बयान में कहा है कि तालिबान की हुकूमत के कायम होने से पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा ने कहा कि आज हम इतने आज़ाद हैं कि इस्लाम के हकीकी अहकाम को नाफिस कर सकते हैं। हम किसी रुकावट या आलमी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर अपने खसूसी ऑडियो पैगाम में अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा ने पड़ोस ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कंधार के नामालूम मकाम से जारी पैगाम में मुल्ला हैबतुल्ला ने कहा कि जिन लोगों को अफगान आवाम पसंद नहीं करते उनकी हुकूमत में कोई जगह नहीं। तालिबान के बरसर इकतदार आने से पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। तालिबान के अमीर ने मजीद कहा कि शरई अहकाम के नफाज की राह में कोई रुकावट नहीं और वो इस मामले पर किसी आलमी ताकत के दबाव में नहीं आएंगे। इस्लाम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वजीर आजम अब्दुल कबीर और नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने भी ईद के इज्तिमा से खिताब में पड़ोस ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीका के सदर जो बाइडन यूक्रेन और रूस के सदर से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गलती कर बैठे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन और रूस के सदर से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गलती कर बैठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से निकलते हुए अमरीकी सदर से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या रूस में मुख्तसर दौरानिये की होने वाली बगावत से
सदर व्लादिमीर पुतिन कमजोर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये बताना मुश्किल है, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर इराक में जंग हार रहा है और वो अपने मुल्क में जंग हार रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का इराक से मुराद यूक्रेन था। अमरीकी सदर जो बाइडन इस तरह की गलतियों की एक लंबा रिकॉर्ड रखते हैं। चंद रोज कबल भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में भी उन्होंने भारतीय कौमी तराने के दौरान सीने पर हाथ रखा और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन हाथ नीचे खींच लिया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।